चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास चार तरह के यूनिट सेल पढ़ाए थे, सिंपल यानी प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर और चौथा एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ वे की क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एंड सेंटर्ड को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को। कौन से को? इसलिए हम यहाँ पर जो भी यूनिट सेल लेंगे वो कौन से लेकर चलने वाले हैं? क्यूबिक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? जहां पर एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पर। तो कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिनको आप मिस आउट कर जाते हैं और उसी वजह से यहां पर गलतियां करते हैं। ये हम इसका एक्सप्लोडेड व्यू बनाते हैं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि कहां पर एटम्स टच कर रहे हैं और कहां पर एटम्स टच। सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि एटम्स टच कहां पर करें, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस करें कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं लैटिस का तो ये देखना होता है कि एटम्स कहां पर टच करेंगे। अगर मैं आपके सामने इसका 3D व्यू बनाऊं तो देखो 3D व्यू कुछ ऐसा बनेगा, चार एटम्स ऐसे ऊपर होंगे, चार एटम्स एग्जैक्टली ऐसे नीचे होंगे और आप देख सकते हो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अगर आप इनके कॉर्नर्स को मैच करना शुरू, सॉरी सेंटर्स को मैच करना शुरू करें तो आपको यहां पर एक क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। तो देखें ये 8 एटम्स हर क्यूब के कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब एक क्यूब के हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है। बोलो दिख रहा है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्नर एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 1/8। तो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ऑल्दो कहने को यहां 8 एटम है लेकिन हर एटम पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं है। तो हम जो सबसे पहली चीज निकालते हैं वो होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 8 कॉर्नर्स इनटू हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, इफेक्टिवली एक एटम आ गया। ये सब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, ना चाहते हुए भी आपको अपने आप याद हो जाएगा, बड़ा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम यहां पर निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट या फिर सिंपल बोलो टचिंग एटम्स। एडजेसेंट इज डिफरेंट, नेबर और एडजेसेंट में यह फर्क होता है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे। सो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपका जो सबसे क्लोज वाला एटम होगा वही इसको टच भी कर रहा होगा। तो एक एटम को लैटिस के अंदर या यूनिट सेल में जितने एटम टच कर रहे हैं उसे हम उसका क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए किसी एक को फिक्स कर लो, तो मैंने इस कॉर्नर वाले को फिक्स कर लिया। अब इससे मैं अलग अलग डिस्टेंस पर एटम देखो, सिंपल मैथ्स है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। आप देखो एक एटम है मेरे पास ये वाला, तो ये और ये तीनों सेम है, बताओ तीनों की डिस्टेंस कितनी होगी इससे? ए। वॉट इज ए? ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, है ना। ए क्या है? क्यूब की एज लेंथ है। फिर देखो ये वाला एटम इसके फेस डायगोनल पर है, ये भी फेस डायगोनल पर है और ये भी फेस डायगोनल पर है, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? √2। दिख रहा है? और फिर आपके पास एक और एटम दिख रहा होगा थर्ड यहां, जो इससे इसके बॉडी डायगोनल पर है, दैट इज √3a। तो इस एक कॉर्नर एटम से आपको तीन डिस्टेंसेस दिखाई दे रही है, एक a, एक √2a और एक √3a। बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? That means, A distance पर जो भी एटम्स होंगे वही किसमें काउंट होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर पर। किस पे काउंट होंगे? अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर वो कितनी हो गई? A। अब आओ काउंट करते हैं इसका नंबर। देखो अगर आप इस यूनिट सेल में देखो तो इस यूनिट सेल में ऐसा 1, 2 और 3 एटम है, लेकिन तो इस यूनिट सेल में है। मैंने आपको बताया था लैटिस के अंदर तो ऐसे हजारों यूनिट सेल हो सकते हैं, तो बताओ इसी के जस्ट नीचे एक और यूनिट सेल होगा उसमें भी एक एटम होगा ए डिस्टेंस पर, इसके सामने एक यूनिट सेल होगा उसमें भी एक ए एटम होगा, इसके पड़ोस में भी एक यूनिट सेल होगा उसमें भी एक ए एटम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे वाले यूनिट सेल में भी ऐसे और एटम्स प्रेजेंट होंगे जो इस कॉर्नर एटम से ए डिस्टेंस पर होंगे। क्या आप इनका नंबर काउंट कर सकते हैं? तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, हाँ 6। नहीं आया समझ में?
आगे एक बार और, कौन सा डायगोनल वाला? डायगोनल वाला नियरेस्ट नहीं है ना भाई। देखो ये कॉर्नर एटम है, इसके इस कॉर्नर पर एक एटम, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक ये पीछे वाला एटम, तीन तो यहां हो गए। अब जब आप इसको और बनाना शुरू करोगे तो देखो एक ये वाला एटम भी इधर आ जाएगा, एक इसके ऊपर एटम आएगा ऐसे, एक इसके नीचे यहां पर एक एटम आएगा। आप देखो एक दो तीन चार, एक वो पीछे वाला पांच, और एक यहां सामने एक और आ जाएगा छह। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आप यहीं पे देखोगे, ऐसा ही एक और स्क्वायर इसके साइड में है, ऐसा एक और स्क्वायर इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके सामने भी है। तो ये सामने वाले का एक एटम, साइड वाले का ये एटम, नीचे वाले का ये एटम, तो ये सब एटम सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो गया है, सिक्स हो गया, दिखता है। तीसरी चीज जो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं वो होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। देखो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो बताओ एटम्स कहां टच कर रहे हैं, है ना? तो यहां पर एटम्स टच अलोंग द एज, जो दोनों एटम्स हैं वो एज के अलोंग क्या करते हैं, टच करते हैं। मतलब मेरे जो दो एटम होंगे वो ही इस क्यूब का क्या बना रहे होंगे, एज। तो ये लेंथ ए हो गई, ये आर, ये आर, तो बताओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सही है। लास्ट चीज जो हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स रिलेटिव टू अवेलेबल स्पेस इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कितना स्पेस अवेलेबल है और एटम्स ने मिलकर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। आप इसे सिंपल वर्ड्स में ऑक्यूपाइड स्पेस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? तो आप खुद सोचो, अगर आपको ऑक्यूपाइड स्पेस निकालना है तो आप ऊपर तो लिखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं, बाय एटम्स, और बताओ उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में आपकी भावनाओं से खेल सकता है। हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अगर क्रिस्टल सिस्टम बदल गया, उसने बोला कि मेरा यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल है या ऑर्थोरोम्बिक है, तो उसी के हिसाब से ए इंटू बी इंटू सी से हम उसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। वो थोड़ा सा देखने वाली बात होती है, बाकी आसान है। चलो अभी तो नॉर्मल बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कैसे निकालेंगे भाई? एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर। अगर हम उसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय, बताओ यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, क्योंकि यहां तो हमारा यूनिट सेल क्यूबिक है, कोई और होगा तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये समझ में आता है? बताओ z की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ आप a की जगह कितना लिख सकते हो, 2। देखो r क्यूब से r क्यूब गया, 8 बनेगा, 4 × 8 तो वैल्यू आ जाएगी 5/6। एक तो आपको याद रहना चाहिए सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 5/6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.524। तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 है, इसका मतलब दैट इज 52.4% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, तो बाकी कितना हो गया, 47.6% स्पेस इज एम्प्टी। सही है? सो ये आपको याद रहेगा 52.4%, पर वो शातिर है, वो ये पूछ लेगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, ऑप्शन ए 5/4, 5/2, 5/3, 5/6। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, याद नहीं है तो पाई की फॉर्म में अगर आ रहा है। बट ये चार पैरामीटर्स होते हैं जो आपको हर एक यूनिट सेल के लिए
आने चाहिए, नेसेसरी है, और ये अभी अभी कभी याद हो जाएंगे आपके, लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई दिक्कत? कॉपी करना चाहोगे आप? चलिए जल्दी से करें, इसलिए क्लास ना छोड़े। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले यूनिट सेल के ऊपर। कौन सा होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा बनेगा, पहले मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं वापस से एक बार 3D में। तो देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। बताओ बॉडी सेंटर में क्या होगा? देखो अभी आप जो यूनिट सेल पढ़ रहे हो ना, उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम साइज के हैं। क्या है? अब आप इमेजिन करो ये आपके पास 8 बॉल्स हैं, इन्हीं 8 बॉल्स में मुझे एक 9th बॉल फिट करनी है, बीच में फिट करूंगा, तो बताओ वो इस स्पेस में आ जाएगी क्या? वो क्या करेगी? इसको एटम्स को दूर दूर कर देगी। तो यहां पर क्या होता है? वॉइड तो रहेगी ना, गोलों को जब आप अरेंज करना शुरू करोगे तो वॉइड तो रहेगी रहेगी, कितना भी क्लोज पैक कर लो आप। अब देखो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इस जगह को आके ऐसे डिस्टॉर्ट कर देगी, ऐसे 4 एटम पीछे होंगे, मैं वो नहीं बना रहा हूं। जब आपको सिखाना चाह रहा हूं सिर्फ इतना सा है कि जहां सिंपल क्यूबिक में ये दोनों एटम्स टच करते थे, अभी एटम्स टच नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? सो दिस इज द मेन क्रक्स, आप ये ध्यान रखना कि इस तरह से क्या कर देगा, इनके बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। तो अगर मैं आपसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो दिखाने के लिए हम इनको ऐसे बना देते हैं, ये एक्सप्लोडेड व्यू कहलाता है, जिसमें हम एटम्स के बीच में स्पेस दिखाते हैं। तो हर कॉर्नर पर एटम्स होंगे और बॉडी सेंटर पर भी क्या होगा? एक एटम होगा। अब यहां पर एटम्स एज के अलोंग टच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप देखो ये और ये टच कर रहे हैं, तो ये टच करता है बॉडी डायगोनल के अलोंग। किसके अलोंग टच करते हैं? ये आपको विजुलाइज होना चाहिए कि एटम्स कहां टच कर रहे हैं हर यूनिट सेल के अंदर। तो आइए बस बाकी कहानी तो सेम है। सबसे पहले जेड निकाले, बताओ जेड कितना आ जाएगा यहां पर? 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस एक पूरा बॉडी सेंटर पर है, 2। सही है। दूसरी चीज क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। ये जो सेंटर वाला आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 को टच कर रहा होगा। सही है। किसी से भी देख लो, इससे देख लो, ये कॉर्नर वाला है, ठीक है, इसका नियरेस्ट नेबर निकालो, नियरेस्ट नेबर निकालो पहले, नियरेस्ट नेबर। तो देखो एक तो ए पर है, ये भाई साहब √2a पर है, और ये भाई साहब √3a/2 पर है, 0.85a, 0.85a, a और √2a, बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इसलिए ये जो सेंटर वाला है ये आपका नियरेस्ट नेबर होगा। देखो ये नियरेस्ट है, ये फर्स्ट नियरेस्ट, सॉरी ये सेकंड नियरेस्ट है, और ये वाला थर्ड नियरेस्ट होगा। मैथ्स है, डिस्टेंसेस निकालो, जो सबसे छोटी डिस्टेंस पर है वो क्या कहलाएगा? नियरेस्ट। जो अगली डिस्टेंस पर है वो सेकंड नियरेस्ट, या उसको नेक्स्ट टू नियरेस्ट भी बोल देते हैं। उसके अगली डिस्टेंस पर वो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ऐसे कहानी चलती रहती है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ किसके ऊपर? नियरेस्ट के ऊपर। तो यहां पे अगर आप नियरेस्ट एटम देखो तो ये सेंटर वाला है, बताओ ये कॉर्नर एटम कितने क्यूब्स का पार्ट होगा? 8। कितने का होगा? 8। और हर क्यूब के सेंटर पर एक एटम होगा, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1। आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का भी निकालो, किसी भी एटम का, सबका क्या आएगा? सेम, अलग अलग नहीं हो सकता है। समझ पा रहे आप मेरी बात को? तो देख पूरी रामायण सुना दी फिर पूछ रहे हो, क्यों? राम भी तो पूछ सकता, राम कौन है? ये कॉर्नर एटम है, ये कितने क्यूब्स का पार्ट होगा? अच्छा कैसे होगा? बताया था यार इस एक गोले को कवर करने के लिए आपको कितने क्यूब्स चाहिए होंगे। तो देखो एक इधर, 1, 2, 3, 4, कितना कवर हुआ? आधा गोला कितना कवर हुआ?
नहीं समझ में आया? ये एक बॉल है, इसके सेंटर पे एक क्यूब बना हुआ है ऐसा, मुझे इस बॉल को पूरा कवर करना है, कितने क्यूब्स चाहिए होंगे? एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम तीसरी चीज क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर एटम्स डू नॉट टच अलोंग एज, दे टच अलोंग बॉडी डायगोनल। तो ये जो है ये तीनों एटम्स टच कर रहे होंगे, तो यहां पर जो तीन एटम्स सेम साइज के एक दूसरे को टच करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी रूट थ्री ए। किसी भी क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है? रूट थ्री ए। बताओ ये आर, आर टू आर और आर, बताओ रूट थ्री ए इज इक्वल्स टू, समझ में आता है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आता है पैकिंग फ्रैक्शन। बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो z इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो देखो z की वैल्यू हो गई 2 इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, बताओ a की जगह कितना लिख सकता हूं? तो 4r बाय रूट थ्री का होल। इसे आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगी 0.68 अप्रोक्सीमेटली। कितनी आएगी? इसका मतलब यहां पर 68% स्पेस क्या है इज ऑक्यूपाइड और बाकी का 32% स्पेस कैसा होता है? एम्प्टी। तो सिंपल क्यूबिक से इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया है? ज्यादा होना भी है क्योंकि इनके बीच की जो वॉइड थी उसमें एक एटम आकर फिट हो गया है। क्लियर है? कॉपी करें फटाफट। क्या कैलीग्राफर? कैलीग्राफर तो बहुत धीरे लिखेगा, वो तो यूं लिख के डॉट और लगाएगा हर एक जगह, बहुत सुंदर लिखते हैं। अच्छा मैं कह रहा था कि ये तो आपको पता चल ही चुका है, नहीं चला तो चल जाएगा कि जनवरी तो एग्जाम नहीं होगा, है ना? लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना सिलेबस अपन जनवरी में ही खत्म कर लें ताकि हमारे पास रिविजन का टाइम बहुत रहे। ठीक है सिलेबस, हाँ तो मजा तो करने वाले हैं अपन, चिंता मत। चलिए नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। तो अगेन जो फेस वाला एटम आएगा वो चार एटम्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा और फिर से यहां पर भी एटम्स एज के अलोंग टच नहीं करेंगे। चलिए Z निकालते हैं, तो यहां पर Z निकालो, तो बताओ हर कॉर्नर 8 इंटू 1 बाई 8 और 6 फेसेस हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 बाई 8, Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 1 और 3, सही है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो आपको कोई भी एक एटम चूज कर लो, तो मैं ये फेस सेंटर वाला एटम चूज कर रहा हूँ। कौन सा एटम चूज कर रहा हूँ? तो फेस सेंटर वाला इसको 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 और इसको, इन चारों को टच कर रहा होता है, सही है। फिर देखो क्यूब को थोड़ा और नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये फेस वाला इस वाले फेस को, ये फ्रंट वाला फेस, ये साइड वाला फेस और ये बैक वाला फेस, इन सबको भी टच कर रहा होता है। ठीक है, चार तो अपने प्लेन में हो गए, चार नीचे वाले जो फेसेस हैं हर फेस के एटम को ये टच कर रहा होता है। और बताओ ऐसे ही चार एटम कहां पर होंगे? भाई ऊपर भी तो यूनिट क्यूब बनेगा, उसके इस वाले फेस को, ये फ्रंट वाले फेस पर, इस वाले फेस पर और पीछे वाले फेस पर, इनको भी सबको ये क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा।
तो अगर मैं इस वाले एटम की बात करूं सेंटर फेस सेंटर वाला, तो ये चार अपने प्लेन में, चार नीचे वाले प्लेन में और चार ऊपर वाले प्लेन में, इस तरह से टोटल 12 एटम्स को टच कर रहा होता है और यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। कितना होता है? तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में कितना होता है 12। अभी आके चल के हम पैकिंग पढ़ेंगे, मैं वहां पे भी आपको इसको विजुलाइज कराऊंगा कि कैसे ये अपने प्लेन में चार ऊपर चार और नीचे चार, तो टोटल कोऑर्डिनेशन इसका कितना आ जाता है 12 आ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तीसरी चीज आती है क्या, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस आर। अब बताओ यहां पे एटम्स एज के अलोंग टच, सो हियर अगेन एटम्स डू नॉट टच अलोंग एज, रादर दे टच अलोंग, इस बार देखो बॉडी सेंटर तो कोई एटम है ही नहीं, तो ये तीनों टच कर रहे होते हैं, ये तीनों तो ये टच करते हैं फेस डायगोनल, किसके अलोंग टच करते हैं। तो अगर हम इस क्यूब का एक फेस बनाएं, ये वाला फेस डायगोनल है, तो आप सभी जानते हैं ये एज लेंथ ए, ये एज लेंथ ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी रूट टू ए, कितनी आ जाएगी। तो अगेन तीन एटम्स आपके सेम साइज के हैं और तीनों के सेंटर को अगर आप मिलाओ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी रूट टू ए, और रूट टू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4r। या फिर आप इसे चाहो तो a इक्वल टू कितना लिख सकते हो 2√2r लिख सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए a इक्वल टू 2r था, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a इज इक्वल्स टू 4r था, और FCC के लिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2r। नेक्स्ट आप क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन बनेगा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो z की वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह आप लिख सकते हो 2√2r का होल क्यूब, तो बन जाएगा 16√2, है ना, 2 का क्यूब 8, रूट 2 का क्यूब रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2, ठीक है। तो 16 से देखो 16 गया, ये कितना बन गया पाई बाय 3√2, आर क्यूब से आर क्यूब गया, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.74 आती है। कितनी आती है? तो ओवरऑल यहां पर इसका मतलब 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड और रेस्ट 26% स्पेस इज एम्प्टी। तो बताओ इनमें सबसे क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर कौन सी होती है? FCC, है ना। तो FCC सबसे क्लोजेस्ट है, फिर उसके बाद BCC और सबसे कम कौन सा होता है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको इनके बारे में फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक है तो Z1 होगा, BCC है तो 2 होगा, FCC है तो 4 होगा। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, BCC का 8 होगा, FCC का 12 होगा। सिंपल क्यूबिक के लिए इक्वल टू 2r, BCC के लिए √3 इज इक्वल्स टू 4r, और इसके लिए √2a इज इक्वल्स टू 4r। पैकिंग फ्रैक्शन 52.4, 68 और 74, कॉपी कर लें।